खनन विभाग की कार्रवाई में अवैध रूप से मिट्टी बालू खनन में लगे 8 ट्रैक्टर जब्त, जेसीबी मालिक हुए गिरफ्तार। प्रखंड क्षेत्र के ब्रह्मपुरी गांव के समीप धौस नदी के समीप की गई कार्रवाई में खनन विभाग ने छापेमारी कर कटाव स्थल से बालू मिट्टी लदे 8 ट्रैक्टर जब्त किया है। मामले में जेसीबी मालिक सह ठेकेदार उमेश सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में खनन विभाग के इंस्पेक्टर संजय कुमार द्वारा कटाव स्थल पर कार्यरत जेसीबी व सभी ट्रैक्टर मालिकों के खिलाफ अवैध रूप से बालू मिट्टी खनन कर राजस्व की क्षति पहुंचाने, पर्यावरण को प्रदूषित करने सहित कई धाराओं में स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आवेदन के मुताबिक मधवापुर थाना के SI उग्रसेन पासवान के नेतृत्व में पुलिस बल के जवानों के साथ खनन विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई में दल को देखते ही जेसीबी सहित चालक और सभी ट्रैक्टर के चालक भी वाहन छोड़कर भाग गए। छापेमारी के बाद खनन निरीक्षक कुमार ने बताया कि इस मामले को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की गई थी। उनके निर्देश पर मधवापुर थाना के सहयोग से यह कार्रवाई की गई। खनन में लगे जब्त किए गए सभी ट्रैक्टर बिना पेपर के चलाए जा रहे थे। इस संबंध में थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि विभागीय प्राथमिकी के बाद गिरफ्तार आरोपी उमेश सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इधर जेसीबी मालिक सह ठेकेदार उमेश सिंह का कहना है कि वो दुर्गापट्टी के दिलीप कुमार की निजी जमीन पर लीज पर लेकर वहां से मिट्टी खनन करवा रहे थे। मीडिया लाइव न्यूज के सभी अपडेट्स पाने व हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।